नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर से संबंधित, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स कि दी गई आकृति में त्रिभुज या ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होती है। और ये थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न हैं और इनको हल करने के लिए हमें कुछ अलग तरीका ईजाद करना पड़ेगा। अगर आप दी गई चारों पिक्चर्स को देखें तो एक चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होती है कि इन चारों पिक्चर्स का जो पैटर्न है वो एकदम सेम है, कि एक ही तरीके से ये ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। तो अब बात करते हैं कि इन ट्रायंगल्स को कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हल करना है। अगर हम देखें जो पिक्चर हमारे पास एक और दो, अगर आप इसको देखते हैं, इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप देखें एक और एक दो, और इसमें एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, मतलब कि पहली और दूसरी पिक्चर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें तो है दो और इसमें है चार, मतलब कि इन दोनों पिक्चर में हॉरिजॉन्टल लाइन की जो संख्या है वो इवन है, सम है। अगर हम पिक्चर तीन और चार को देखें, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो संख्या है वो आप काउंट कर सकते हैं, एक दो और तीन, इसमें है तीन, और इसमें अगर आप काउंट करें एक दो तीन चार और पाँच, मतलब कि एक दो तीन चार और पाँच, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या है फाइव। तो इन दोनों आकृतियों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहली दो पिक्चर में हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या इवन है, मतलब सम है, और जो तीसरी और चौथी पिक्चर है इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या है वो ओड है, मतलब कि विषम है। तो अब हमें देखना है कि जिस पिक्चर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या इवन है उसको कैसे सॉल्व करना है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या ओड या विषम है उसको हमें कैसे हल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर एक और दो की। जब भी हमारे पास नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इवन होगा, मतलब कि सम होगा, तो ऐसे केस में हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, एक बटे आठ एन एन जमा दो, दो एन जमा एक, मतलब वन बाई एट एन एन प्लस टू टू एन प्लस वन, इस तरह से फॉर्मूला होगा। सिर्फ हमें फिगर में ये देखना है कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सम है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और उसके बाद बता देंगे कि दी गई आकृति में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितनी हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न हमारे पास है, तो इसमें नंबर ऑफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक और एक दो, एन की वैल्यू दो है, तो एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो उसके बाद देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आएगा। वन बाई एट एन दो के बराबर है, दो जमा दो टू इंटू टू प्लस वन, तो अब हम देखें चार, वन बाई फोर इंटू फोर, दो दूनी चार और जमा एक पाँच, तो इसको आप कैंसिल करें तो पहली आकृति में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो पाँच हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी आकृति जिसमें n की वैल्यू चार है, तो इसी फॉर्मूले में देखते हैं, वन बाई एट एन की वैल्यू चार है इंटू फोर, फोर प्लस टू, टू इंटू फोर प्लस वन, तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम, वन बाई टू, चार और दो छः, चार दुनी आठ और जमा एक नौ, तो दो तिया छः, तो नौ तिया सत्ताईस। तो पहली आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइव हैं, पाँच हैं, दूसरी आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल सत्ताईस हैं। तो हमने वो प्रश्न हल किए जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या हमारे पास इवन है या सम है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो प्रश्न, अगर जिसमें एन की वैल्यू ओड है, विषम है, तो उसको कैसे हल करना है। तो जो अगर एन की वैल्यू हमारे पास ओड है या विषम है तो उस स्थिति में जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग होगा, और वो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू वन बाई एट एन एन प्लस टू टू एन प्लस वन माइनस वन एंड ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे
जब हमारे पास नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ओड होंगी, मतलब कि उनकी संख्या विषम होगी, तब हम यूज़ करेंगे। तो आकृति तीन को देखते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक दो और तीन, एन की वैल्यू तीन है तो वैल्यू पुट करते हैं 1/8, 3, 3+2, 2×3+1, -1, इस तरह से। अब इसको हम हल करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, 1/8, 3×5, 3 × 2 = 5, और 3 × 2 = 3, 2×6 = 1, 7 हो गए हैं ये हमारे पास, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7 और -1। तो ये हुआ 1/8। तो इसको अगर आप हल करें, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105 -1, तो 1/8 × 104, तो इस ये 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो फिगर या पिक्चर तीन है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 13 होंगी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या वो 5 है, यह भी एक विषम संख्या है, ओड वैल्यू है, तो इसमें देखते हैं वैल्यूज ट्रायंगल्स कितनी होंगी। 1/8, एन की जगह रखेंगे 5, 5 + 2, 5×2+1, -1, इस तरह से। तो इसको हल करते हैं, 1/8, 5×5 × 2 = 7, 5×2 = 10, 10 + 1 = 11, -1, तो 1/8। तो इसको अगर आप देखें, 7×5 = 35, 35 × 11 करें तो ये आएगा 385 -1, सो 1/8×384, जब 8 से इसको कटआउट करेंगे तो आएगा हमारे पास 48। तो अगर आप देखें इस ट्रायंगल में जो हमारे पास आकृति है इसमें ट्रायंगल 13 थी, और इस आकृति में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल आई उसकी वैल्यू है 48। तो इसको हम दो तरीके से हमने कैलकुलेट किया, एक जब वैल्यू एन की इवन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू इवन होगी तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू विषम या ओड होगी तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब ऐसा होता है कि कई बार इन पिक्चर्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, और जब चेंज करते हैं तो उन प्रश्नों को कैसे हल करना है उसको हम देखते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें, आप आसानी से अगर इस फिगर को देखते हैं, यहाँ एक चीज़ क्लियर होती है कि जो इस फिगर का नीचे वाला पार्ट है इसमें एक लाइन को मिस कर दिया गया है या हटा दिया गया है। अगर आप देखें, ये वाली लाइन इस फिगर के अंदर नहीं दी गई है, तो ऐसी स्थिति में या ऐसे प्रश्नों को हमें किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, इसमें हम काउंट करते हैं कि जो नंबर ऑफ हमारे पास ट्रायंगल्स कितने हैं। हमने इस लाइन को डॉटेड मान लिया, हमने इसको क्या किया, एक स्टैंडर्ड फिगर मान लिया है, और स्टैंडर्ड फिगर मानने के बाद अब हम देखते हैं कि इन प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1, 2, 3 और 4, तो इसमें एन की वैल्यू है 4, और जो एन अगर 4 है तो ये संख्या हुई इवन। इवन का मतलब ये एक सम संख्या है, इवन वैल्यू है, और जब हमारे पास इवन वैल्यू होती है तो ऐसी स्थिति में हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/8 एन एन प्लस 2 एंड 2n+1, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास इवन संख्या होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/8 4, 4+2, 2×4+1, इस तरह से 1/8×4, 4 × 2 = 6, तो 4×8 = 9, तो 2×4 = 8 × 2 = 6, 9×3 = 27। अगर ये पहले की तरह फिगर होती कंप्लीट तो इसमें 27 ट्रायंगल हैं, लेकिन अगर अब हम इसमें देखें कि इस फिगर में कितनी ट्रायंगल मिस हैं,
क्योंकि ये लाइन नहीं है, इस लाइन के ना होने से एक ट्रायंगल इसमें नहीं है, एक ये ट्रायंगल नहीं है, और एक ये ट्रायंगल नहीं है, और एक ये ट्रायंगल नहीं है। इन दो लाइनों के मिस होने से इसमें चार ट्रायंगल कम हो गई हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फिगर मान लिया, उसका नंबर ऑफ ट्रायंगल हमने काउंट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल मिसिंग है उसको हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से जो उत्तर होगा वो इस फिगर का उत्तर होगा। तो अब क्या करते हैं, दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कि कुल कितने त्रिभुज होंगे, 27 माइनस जितने मिसिंग है वो माइनस कर दें तो इसमें कुल 23 ट्रायंगल होंगे। तो अगर हम बात करें कि हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कि जो फिगर या पिक्चर दी गई है वह स्टैंडर्ड फिगर दी हुई है या फिर उस फिगर में कुछ कमी है, अगर वो स्टैंडर्ड फिगर होगी तो फिगर में ट्रायंगल्स ओड नंबर में होंगे। जैसे अब हम देखते हैं, ये हमेशा याद रखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो फिगर हमें एग्ज़ाम में दी गई है वो एक स्टैंडर्ड फिगर है। तो पहले हम इस फिगर को देखते हैं, इसमें एक ट्रायंगल है, नीचे चलते हैं एक दो और तीन, इसमें तीन है। जैसा हमने बात की कि ट्रायंगल जो होंगी फिगर में वो ओड नंबर में होंगी, एक और तीन। इस आकृति को देखते हैं, एक ट्रायंगल है, एक दो और तीन, इसमें तीन है, एक दो तीन चार और पाँच, और इसमें पाँच हैं, मतलब एक तीन और पाँच, क्योंकि जो नंबर बढ़ रहे हैं अगर आप देखें आपको ओड वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड फिगर है। और चेक कर लेते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल है, इससे नीचे एक दो और तीन, इसमें तीन हैं, एक दो तीन चार और पाँच, इसमें पाँच हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, इसमें सात हैं, मतलब कि एक तीन पाँच और सात। आपको हर बार ओड नंबर अगर मिलता है तो इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो वो एक स्टैंडर्ड फिगर है। अगला देख लेते हैं, इस पार्ट में देखें कि यह क्या एक स्टैंडर्ड फिगर है, एक एक दो तीन, इसमें तीन हैं, एक दो तीन चार पाँच, इसमें पाँच हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, इसमें सात हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, इसमें नौ हैं। तो अगर आप देखें एक तीन पाँच सात और नौ, तो इस तरह से अगर आपको मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्टैंडर्ड फिगर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फिगर में हमने देखना है कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हैं। अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू इवन है तो ऐसी स्थिति में या सम है, हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 1/8 एन, एन प्लस टू, टू एन प्लस वन, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू ओड है, तो अगर कह सकते हैं कि विषम है, तब हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/8 एन, एन प्लस टू, टू एन प्लस वन माइनस वन, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल ट्रायंगल आ जाएंगी, जो लाइन मिसिंग है उसको हम कंप्लीट करके देखेंगे कि कितनी ट्रायंगल अब हमारी मिस हो गई हैं, तो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं रीजनिंग से संबंधित कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।